कलर कर ले भाई साढ़े सत्रह हाथ पर कीजिए अरे कीजिए ना सीना लिख ले भाई पैंतीस 35... नहीं चौतीस चौतीस की पैंतीस सर थोड़ा फुलाइए 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 साढ़े चौतीस लिख ले हाँ बेटे पापा मैंने बैंकिंग का एग्जाम क्लियर कर लिया आता हूँ बेटा सीना चालीस कर दो हैं जिम ज्वाइन कर लिया है बेटे ने अड्डा ट्वेंटी किया और बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया अब जब बच्चे तरक्की करते हैं तो ना तो बाप का सीना तो चौड़ा हो ही जाता है अड्डा की एक्सपर्ट एंड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग टीचिंग एस एस सी जैसे अनेक कम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन जॉब है गुड मॉर्निंग नमस्कार राधे राधे बिहार अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं दीप्ति राजपूत आपके लिए एक और क्लास लेके हाजिर हूँ जी हाँ तो आज क्या खास होने वाला है क्लास में आ, आज आपको कुछ दो इम्पोर्टेंट पॉइंट टॉपिक्स पे मैं आपके कुछ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ तो क्लास के एंड तक बने रही और देखिए कि वो क्या खास क्वेश्चन है आ, जो बच्चों ने कल डिमांड की थी आ, उन्हीं में से कुछ मैंने दो टॉपिक उठाए और उन्हीं पर आज हमारे कुछ क्वेश्चन चलने वाले हैं तो आपको क्लास के एंड तक बने रहना है ताकि आपको वो चीज़ें सीखने को मिलें जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल फिलहाल में अब आपका एग्जाम हो ही जाएगा आज ऑलमोस्ट जो डेट है वो आपकी कितनी हो गई है ट्वेंटी नाइन्थ हो गई है और अब इसके बाद यानी कि सिक्स आई थिंक छः तारीख को है आपका पेपर छः तारीख को आपका पेपर हो जाना है है ना तो गुड मॉर्निंग प्रियंका गुड मॉर्निंग वीना कुमारी आई होप आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी 15 आउट ऑफ 15 का जो हमारा टारगेट था सून कंप्लीट हो जाएगा है ना प्रियंका टेक्निकल कंपटीशन वॉरियर्स गुड मॉर्निंग स्नेहा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हमारी जो दिन की शुरुआत होनी चाहिए अच्छे विचारों के साथ होनी चाहिए क्यों क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं तो क्यों ना बेटर सोचें हम चलो देखते हैं तो आज आपके लिए खास क्या है यह हैलन किलर कहती हैं ऑप्टिज्म इज द फेथ दैट लेस टू अचीवमेंट नथिंग कैन बी डन विदाउट होप है ना तो ये क्या कहना चाह रही है किसी को आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर ऑप्टिज्म ऑप्टिमिज्म का मीनिंग क्या होता है सोहिल अहमद हेलो बताएंगे बताइए क्या लगता है मैम जी बिहार बी एड जो सिक्स को है वहाँ सेंटर चेंज ना होगा एडमिट कार्ड भी वही रहेगा हाँ हाँ वही है पूरा का पूरा है प्रोसीजर तो है ना तो ये कह रहे हैं ऑप्टिम सॉरी कह रही है ऑप्टिमिज्म फेथ दैट लेट्स टू अचीवमेंट यानी कि एक आशावाद एक आपने वर्ड सुना होगा वन वर्ड में पूछा जाता है ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक यानी कि वन हु सी ब्राइट साइड्स मतलब जो हमेशा पॉजिटिव साइड देखे हर चीज में पॉजिटिव साइड देखे वो कौन होता है आशावादी होता है वो एडजेक्टिव फॉर्म था ये आपका नाउन फॉर्म है ऑप्टिज्म का मतलब क्या होता है आशावाद यानी कि जो हमेशा आशावाद में विश्वास रखता है तो दैट लेट्स टू अचीवमेंट वो क्या करता है वो असफलता को प्राप्त कर लेता है नथिंग कैन बी डन विदाउट होप और बिना आशा के कुछ हो नहीं सकता है कितना अच्छा पॉइंट बोला है ना येस आशावादी टाइप ही नहीं आशावादी ही की बात हो रही है सोनू कुमार जी वेरी वेल डन कि आपने उसको पहचान लिया वर्ड को तो आशावादी जो लोग होते हैं वो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो उसमें क्या ढूंढते हैं हमेशा पॉजिटिव ढूंढते हैं कि नहीं यार चलो कोई बात नहीं ये हो गया तो हो गया हम कुछ और अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा एक तो आपको आशावादी रहना चाहिए दूसरा आपको कुछ ना कुछ सोचते रहना चाहिए चीजों के बारे में जो आपका गोल है उसके बारे में ऐसा नहीं कुछ भी सोचते रहना चाहिए जो आपका गोल है उसके बारे में सोचते रहना चाहिए कि यार आज मुझे क्या टारगेट करना है मेरे को आज क्या पढ़ना है मेरे एग्जाम मेरा छह सात तारीख में एग्जाम हो जाएगा छह में तो मुझे अब मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए इस हिसाब से अपने पढ़ाई करो ना गोल सेट करो उस हिसाब से लर्निंग उस हिसाब से प्रैक्टिस और उस हिसाब से पढ़िए तो आपका जो एग्जाम होगा वो भी अच्छा जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं पूरा पढ़ लेते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस बहुत आता है कई बार आपने देखा होगा जब हम क्वेश्चन कराते हैं जो आसान सा होता है तो मन में सोचते यार ये भी कोई सवाल है क्यों क्योंकि उसको आपको याद है वो अच्छे से आपको पूरा भरोसा है कि वो आपका आंसर सही है लेकिन जहां आपको भरोसा नहीं होता है वहाँ ऑप्शन भी कभी कोई कभी कोई कभी डिलीट करते हो कभी कुछ करते हो इट मीन वहां पर आपको विश्वास नहीं है खुद पर और ये विश्वास कब आता है जब आप पढ़ते हैं जब आप पढ़ते हैं अच्छे से जब आपके डाउट क्लियर होते हैं तब क्या होता है विश्वास बनता है तो भाई क्लास के एंड तक बने रहिए अगर आपका विश्वास है मेरे पे और मेरी कॉन्टेंट में तो क्लास के एंड तक बने रहेंगे आज आप ही के डाउट्स जो थे उन्हीं में से मैंने दो टॉपिक्स को उठाया है वो दो टॉपिक बहुत खास हैं और देखिए है क्या है ना चलो बढ़ते हैं आगे आज और क्या खास बात है यार आज स्पेशल ये कि हमारा मंथ यानी कि एंड जून का एंड चल रहा है और एंड में सेल चलती है अड्डा की तरफ से तो अड्डा ट्वेंटी फोर यानी कि बिहार अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की तरफ से आज सेल है सभी महापैक पे आपको डबल वैलिडिटी ऑफर मिल रहा है और इसमें क्या होगा जैसे कोई भी अगर आप महापैक परचेज़ करते हैं तो एक साल की उस वैलिडिटी होती है अगर आज परचेज़ आप कर लेंगे उसको तो आपको इस पर डबल वैलिडिटी यानी कि दो साल के लिए वैलिड रहेगा जैसा कि आप जानते भी हो कि यार बिहार गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ने अनाउंस कर ही दिया कि डेढ़ साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकाली जाएंगी और कल भी एक अनाउंसमेंट हुआ कि कितनी वैकेंसी आने वाली है आने वाले टाइम में क्लर्क की हो चाहे किसी की भी हो कल एक अनाउंसमेंट और आया गवर्नमेंट की तरफ से है ना तो इन सभी के लिए जरूरी है आपको पैक परचेज करना क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा हर एक एग्जाम एक का फॉर्म फिल करता ही है एग्जाम देने जाता ही है तो क्यों ना एक ही एक ही से सारे निशाने लगा दिए जाए है ना अलग अलग परचेज करो बैटर की आप एक बैच परचेज करें महापैक परचेज करें सारी टेस्ट बुक्स, e सब कुछ इसमें अवेलेबल होता है सो so, ये सबसे बेस्ट होता है कैसे परचेज करेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ ठीक है यस ऑब्सटिकल थिंग्स को अवॉइड करना चाहिए वेरी वेल नेहा अभी आप ठीक है कल से हाँ? <laughs> चलो बढ़ते हैं भाई और आपने जो काम करना जब आप लाइक कर देते ना तो मेरा मेरे अंदर थोड़ा और उत्साह आ जाता है ना तो लाइक कर दिया कि करिए आते ही और एक बार शेयर कर दें क्लास को बट अगर नहीं भी माना तो चलेगा लेकिन क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहना क्योंकि फिर छूट जाएगा आपसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रह जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा एग्जाम में जाके क्या पता आपको पसताव हो यार ये तो मैम ने पहले ही पढ़ा दिया था और अब हम यहाँ देख रहे हैं पहले देख लेता तो ज़्यादा बेटर था तो इसलिए पहले ही देख के जाए जिससे कि आपको पछतावा ना हो तो आप मुझसे प्रॉमिस करेंगी कि आप 20 मिनट तक भी अगर बने रहें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा ठीक है सो रेडी है बड़ा आई की तरफ और कोड क्या यूज करना है यार मैं इसको खाली उठा के ले आई हूं तो कोड जो यूज करना है आपको तो फटाफट से आते यार एक लाइक कर दिया करो एक खुशी तो बनती है ना लाइक से तो स्माइल आ जाती है लड़की के चेहरे पे मतलब आपकी मैम <laughs> चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो ये आपका पहला क्वेश्चन वन वाइज इट वो स्टॉक एंड गाइडेंस अच्छा है कुछ बच्चों ने कहा कि मैम वन वर्ड में दिक्कत होता है उन्होंने कहा कि वन वर्ड में दिक्कत होता है तो मैं आज आपको कुछ एमसी क्यूज लेके आई वन वर्ड सब्सिट्यूशन के आज क्या है थोड़े से ये ज्यादा नहीं है लेकिन बिलीव मी कल क्या होगा कल ये होगा कि कल सारे वो इंपॉर्टेंट एमसी क्यूज कराए जाएंगे जो अब तक आपके बिहार बी एड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और एक्सपेक्टेड है कल वही कराए जाएंगे विदाउट ऑप्शन ठीक है तो अब आपको देना है इस सवाल का जवाब वन वाइज इन वर्ल्ड स्टॉक एंड गाइडेंस इज नोन एज फटाफट से बताएंगे क्या कहलाएगा यह शब्द वाइस का मतलब तो जानते हो कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान है मतलब इन वन स्टॉक एंड गाइडेंस गाइड करने में भी बातें बनाने में भी बहुत ज़्यादा चतुराई दिखाता है चालाकियां दिखाता है उसको हम क्या कहते हैं नोटोरियस स्पेशियस ज्यूडिशियस ऑस्टेंटेशियस चलो देखते हैं तो कैसा है आंसर है इसका जी डी क्या होता है वन वाइज इन वन स्टॉक एंड गाइडेंस यानी कि जो आपको गाइड करने में और बुद्धिमानी से आपको गाइड करे चीज़ों को वो क्या होता है ज्यू डी का मतलब क्या होता है उचित यार एक बात बताओ जब कोई भी दंगा या विवाद हो जाता है चाहे वो पति पत्नी के बीच हो चाहे किसी दो फ्रेंड्स के बीच हो जाए किसी के भी बीच हो अब जब मुद्दा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि चलो इस पर केस फाइल हो गया केस लड़ा जा रहा लड़ा जा रहा है फाइनली जज उसका डिसीजन लेगा कैसा लेगा उचित लेगा कि नहीं लेगा दोनों के पक्ष सुनेगा बुद्धिमानी से वो क्या करेगा

ियस मीस होता है कुख्यात और कुख्यात का मतलब मैंने एक बड़ा अच्छे से समझाया था डियर ये जो होता है ना अगर हिंदी में भी इसको ब्रेक कर दे तो कु का मतलब क्या होता है मतलब बेकार यह बदनाम कह सकते हैं इसको ना ख्याति मीन्स क्या होता है प्रसिद्धि होती है ख्याति मीन्स क्या होती है प्रसिद्धि यानी कि जो गलत कार्यों के लिए प्रसिद्ध है उसको हम क्या कहते हैं कुख्यात या हम उसको कहते हैं बदनाम व्यक्ति उसको हम क्या कहते हैं बदनाम व्यक्ति कहते हैं वो होता है नोटोर सॉरी नोटोरियस स्पेसियस कौन होता है स्पेशियस और ऑस्टेंटियस एक ही मतलब होता है मतलब दिखावटी दिखावा करने वाला व्यक्ति देखा आंसर किया अमन ने आंसर किया स्नेहा ने आंसर किया यही कॉन्सेप्ट ना देखा जान जानते यार हम भी तो कभी स्टूडेंट रहे थे कई बार हमने भी ये ट्रिक ये वाली ट्रिक ना कई मैं कई बार मैं भी अप्लाई करती थी पक्का ये तीनों तो पता है ये इसका आंसर होगा तो ऐसा नहीं होता है पहले क्वेश्चन को समझना होता है चारों वर्ड का हिंदी मीनिंग जानना जरूरी होता है तभी आंसर करो ऐसे ही तुक्का में गलत करके आते हो ठीक है सुबोध कुमार भी कह रहे हैं यस चलो एस निराला हेलो जी अ पर्सन हु फोटेज वाई एग्जामिन दाम ऑफ द दा, ये हार्ड नहीं होगा हैंड होगा क्या होगा हैंड यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आपका भविष्य बता दे आपका हाथ देख के हाथ सॉरी हाथ की हथेली को देख के उसको हम क्या कहते हैं ऑफे ओफ्ते, ऑफिलमोलॉजिस्ट फोर टेलर पालमिस्ट या फ्लोरिस्ट इसको हम क्या कहेंगे इनमें से कुछ तो मैंने बता रखा जिन्होंने हाथ खड़े किए थे अब वो बताएं कि इन हाथ की रेखाओं को पढ़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है वेरी वेल डन बहुत बढ़िया पर इम्पॉर्टेंट बच्चा एक और भी है इसमें अच्छा ये बताओ आपने एक शब्द और सुना होगा आपने एक शब्द सुना होगा नेत्र रोग विशेषज्ञ क्या सुना होगा आपने नेत्र रोग विशेषज्ञ तो ऑफतेमो ऑफ्तेलोमोलोजिस्ट का मतलब क्या होता है नेत्र रोग विशेषज्ञ क्या होता है नेत्र रोग विशेषज्ञ होता है ना तो ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में तो जो आंखों की चीज आँखों के बारे में अध्ययन करता है जो बताता है एक्सपर्ट होता है आईज एक्सपर्ट

जो होता है ज्योतिषी में डिफरेंस है ज्योतिषी कौन होता है ज्योतिषी होता है एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी कौन होता है एस्ट्रोलॉजर होता है एस्ट्रो का मतलब है तारों के बारे में अध्ययन करना तारे मतलब कैसे चंद्रमा सूरज और जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में यानी कि जो हमारे नौ ग्रह होते हैं शनि बृहस्पत इन सब ग्रहों के बारे में जो अध्ययन करके उनकी स्थिति को बताता है कि किस पर शनि ग्रह भारी है या किस पर बृहस्पति ग्रह भारी है क्या स्थिति है राहु की क्या स्थिति

वन हु इज़ नॉट इजीली प्लीज बाय एनीथिंग और आज आप लोग क्लास के एंड तक ऐसे पढ़ेंगे कि बस आज यहीं से सीख के याद करके जा रहे हैं क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है उल्टी गिनतियां शुरू हो गई हैं तो फालतू में इधर उधर खुद की मत मारना चुपचाप से बैठ के पढ़ना है एक घंटे अगर आप ध्यान ही दे सकते हो तो एग्जाम में कैसे दो यार एग्जाम जरूरी होता है इंपॉर्टेंट होता है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में कुछ होना नहीं चाहिए है ना यस नवे ग्रहों के बारे में प्रकाश सिंह वेरी वेल डन वारी वेल डन सुरेंद्र कुमार डीएलएड का कर दिया है थोड़ा फास्ट करें चलो ठीक है भैया फास्ट कर देंगे और बताओ चलो फास्ट कर देते हैं वन हु इज नॉट इजीली प्लीज्ड बाय एनीथिंग ऐसा व्यक्ति जो आसानी से किसी से खुश ना हो उसको हम क्या कहते हैं बिल्कुल फास्ट करते हैं डोंट वरी अबाउट इट मेड इन पेसिमिस्ट वल्नरेबल फास्टेडीएस फटाफट से आप आंसर करेंगे उतनी जल्दी हम क्या करेंगे ठीक है उतनी जल्दी हम आंसर करेंगे फटाफट भट से बताओ आप भी चलो तो भाई एक का आंसर आ गया इतने में फास्ट थ्री डी एस कौन होता है

आ गया उसको हम क्या कहते हैं मेडन यानी कि प्रथमो उपदेश ठीक है पूजा कुमारी गुड मॉर्निंग नेक्स्ट का आंसर कीजिए इनकैपेबल ऑफ बीइंग थ्रो मतलब कुछ ऐसा जिसमें के जिसमें से पार होके देखा ना जा सके कुछ हमने यहाँ ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसमें से आप पार होके नहीं देख सकते हो तो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम क्या कहेंगे फटाफट से बताएं इनविजिबल ऑप्सोलेट ओपेक क्यू यू ई है ये क्यू ओपेक ट्रांसपेरेंट बताएंगे सब लोग एग्री करते हैं देख रहे हो इसीलिए हंसी आ रही है तो आज से लड़कियों को फास्ट बोलना शुरू कर दो अच्छा जो ज़्यादा नक चढ़ी हो ना तो बोले यार तू बहुत बड़ी फास्ट है <laughs> <laughs> चिड़गे भाग जाएगी ठीक <laughs> है ओपेक मीस क्या होता है वेरी गुड ओपेक होता है अपारदर्शी क्या होता है अपारदर्शी जिसमें से होके ना देखा जा सके वो क्या कहलाता है अपारदर्शी कहलाता है है इसको हम कहेंगे ओपेक ट्रांसपेरेंट क्या होता पारदर्शी अगर यही ये बिल्कुल पार दिखाई देने लग जाए तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ऑब्सुलिट क्या होता है जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है जैसे गौरैया स्पेसी खत्म होने की कगार इनविजिबल क्या होता है अदृश्य होता है जिसमें बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता नेक्स्ट बताएंगे आ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ऑल जिस तरीके से भगवान भगवान किसने भगवान हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे और उसको नाम दिया गया संजीवनी बूटी लेकिन इसके अलावा एक नाम और है उसी में से ये वर्ड है बताएंगे मैम डीएलएड एंड बीएड में से कौन सा बेस्ट है ये डिपेंड करता है यार मैं बेस्ट की बात नहीं करती डिपेंड करता है कि आप जाना किसमें चाहते हो आप छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आपके लिए डीएलएड ठीक है और अगर आप चाहते हैं कि बी एड करके टेंथ क्लास के बच्चों को पढ़ाना या ट्वेल्थ क्लास के बच्चों को पढ़ाना आपकी अपनी सोच होनी चाहिए कि आप आपकी कैपेसिटी क्या है अगर आप प्राइमरी वाले बच्चों को पढ़ाना चाहते हो या आप टेंथ और ट्वेल्थ के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो टेंथ और ट्वेल्थ का लेवल है तो आपका तो बी करें अगर आपका लेवल कम है तो डी करें ठीक है तो इसको हम कहते हैं पेनासिया इसको हम क्या कहते हैं पेनासिया कहते हैं पेनासिया का मतलब क्या होता है रामबाण होता है ट्रीटमेंट आप जानते हो क्या होता है <coughs> ये सारे वर्ड आप जानते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट है वन हु ईट्स एवरीथिंग ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खा जाए खाऊ पेटू <laughs> कुछ भी उसके सामस खाता रहे खाता रहे ऐसे को हम क्या कहेंगे ओमनी पटेंट ओमनी वोस इन सोलवेंट बताइए दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर विक्की झा गुड मॉर्निंग जी बताएंगे इसको हम क्या कहेंगे गुड मॉर्निंग अक्षयवर सिंह फटाफट फड़ से यहां से करेंगे थोड़ा क्विकली आ करेंगे तो हम क्विकली कराएंगे भाई वेरी वेल वेलनर सिंह बहुत बढ़िया इन्होंने आंसर बहुत सही दिया है तो आंसर है इसका ओमनी बोरस अगर मैं बात कहूँ ओमनी तो ओमनी का मतलब है सभी जो सभी जगह है ओमनी का मतलब क्या होता है सभी ऑल जो सभी जगह पर है ये कह सकते हैं और वोरस का मतलब होता है खाना खाने वाला वोरस कौन होता है जो खाने वाला होता है भक्षक जिसको हम कहेंगे खाने वाला है ना तो ओमनी बोरस क्या होता है जो सब कुछ खा जाता है मीट भी खा जाता है सब कुछ खाता है वो कौन होता है सर्वाहारी उसको हम क्या कहते हैं सर्वा

कहते हैं इनरेसिस्टेबल कौन होता है टायरलेस जो बिल्कुल नहीं थकता बिना रुके बिल्कुल ही नहीं थकता है टायरलेस ठीक है नेक्स्ट क्या है ये मैंने ऑफर आपको बता दिया है ओल महापैक पे ऑफर चल रहा है तो जिन बच्चों ने अब तक परचेज नहीं किया है परचेज कर लेंगे है ना ये बीच में आ गया है कोई इश्यू नहीं है लेकिन फिर से बता देते हैं जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं कि आज क्या चल रहा है आपका महापैक चल रहा है जिसमें आपकी वैलिडिटी क्या हो जाएगी डबल सभी महापैक्स पे तो एक साल का जो कोर्स है वो दो साल का हो जाएगा तो फटाफट से ग्रैप करो आने वाले दो साल में अपनी नौकरी को क्या करेंगे सुरक्षित करेंगे है ना जैसे बिहार महा एग्जाम पैक है ये आपको आठ का नजर आएगा और जैसे ही आप इस पे क्या यूज करते हैं कोड यूज करते हैं क्या वाई फाइव सेवन रुपीज का पड़ेगा 12 प्लस लिखा अगले दो सालों में तो आपको नौकरी लेनी है, तो ना वहां पैक खरीद लो इसमें सारे बैच सब कुछ मिल जाएगा बैच हो गया स्पीड टेस्ट हो गया है ना सब कुछ इसमें अवेलेबल है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं थैंक यू आप कहाँ से हैं हम अपने घर से हैं वन हैज अ गुड टेस्ट फॉर फूड एंड एंड ये क्या लिख दिया है एंड एंजॉयज इट अरे यार ये क्या लिख दिया है चलो कोई नहीं मैं बता देती हूँ एंड एंजॉयज इट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत अच्छा अच्छा खाने का शौक हो और आनंद लेता हो खाने का जो शौकीन होता है वो क्या होता है वह उसको टेस्ट होता है आ, कि यार इसको खा के देखता है कितना टेस्ट है मतलब टेस्ट लेता है और आनंद लेता है खाने का खाने का जो शौकीन होता है उसको क्या कहते हैं पैरासाइट बोलते हैं स्टॉइक बोलते हैं गॉमेट बोलते हैं या क्यूरेटर बोलते हैं फटाफट से बताएंगे प्रतिभा कुमारी मैम जो डी एड कर लिया है वो सिक्स टू एट में पास है तो क्या उसका नहीं होगी होना चाहिए डियर होना चाहिए जस्टे मिनट है ना वेरी फनी सो अब ऐसे पेट पेट को नहीं मतलब ऐसे खाने वाले इंसान को हम क्या कहते हैं ऐसे खाने वाले इंसान को हम कहते हैं गवर्मेट इसको हम क्या कहते हैं गवर्मेट और तुम्हें पता है इस नाम की एक आइसक्रीम भी आती है एक वाडीलाल कंपनी है उसकी आइसक्रीम भी आती है गोमेट तो गवर्नमेट क्या होता है मतलब बहुत टेस्टी होती है बड़ी डिलीशियस होती है मैंने खाई भी थी और उसके बाद ही मुझे बर्ड भी याद हो गया क्योंकि मुझे उस आइसक्रीम खाने का बड़ा शौक है वो आइसक्रीम इतनी अच्छी थी ना यार बहुत अच्छी आइसक्रीम थी सही बता रहे हो बहुत टेस्टी थी और उस पर लिखा हुआ था गवर्नमेंट क्या लिखा हुआ था गवर्नमेंट पर ऐसी नहीं थी ये तो कौन कौन है वाली नहीं होती दूसरी वाली होती है, है, है। संग्रहालय अध्यक्ष, है। है, है अध्यक्ष कौन होता है संग्रहालय अध्यक्ष होता है संग्रहालय अध्यक्ष कौन होता है संग्रहालय अध्यक्ष वो होता है जो म्यूजियम में होता है म्यूजियम यानी कि संग्रहालय होता है वहां पर चीजों को सुरक्षित करके रखा जाता है पैरासाइट होता है ये आप बताएंगे स्टॉइक क्या होता है आप बताएंगे हमने ये करा दिया है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखेंगे अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग ऐसा व्यक्ति जिसको लड़ने का बहुत ज्यादा शौक हो उसको हम क्या कहते हैं फटाफट -फड़ से कमेंट करके बताएं तुम में से कौन लड़ाकू विमान है तुम में से कौन लड़ाकू विमान है बताइए ब्रूमिटिस एंटीपीड पैसिफिक बेलीग्रेंट बिल्कुल बिल्लियों की तरह लड़ता रहता है। युद्धरत युद्ध में युद्ध जैसा उसका दिमाग चलता हो कि बस लड़ना है बस अब और कुछ नहीं करना है ना जिंदगी में बस लड़ना ही है थैंक यू थैंक यू विक्की थैंक्स अलॉट एंड गॉड ब्लेस यू आरफा भी यही करिए मैम डीएलएड और बीएड में कौन सा बेस्ट है डियर कभी भी इस बेस्ट टू बेस्ट पे मत जाओ कि डीएलएड बेस्ट है या बीएड बेस्ट है आप अपने आप को सोचो कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो आप सिक्स टू एट्थ क्लास के बच्चों को पढ़ाने में बेस्ट बनेंगी या आप टेंथ क्लास के बच्चों को पढ़ा सकती हैं बेहतरीन है तरीके से या आप ट्वेल्थ क्लास के बच्चों को पढ़ा दिए पढ़ा सकती हैं बेहतरीन तरीके से अपने आप को जानो बच्चा किसी दूसरे के तरीके से क्यों जाना है आपने आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो कि आपके लिए बेस्ट क्या है है ना तो जो आपके लिए बेस्ट है उसको चुने और उसको मन लगा के पढ़ाई करें उसी में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा है ना उसमें क्या हो जाएगा सिलेक्शन भी हो जाएगा आपका लेकिन ऐसे नहीं किसी ने कह दिया कि बी ए भी यार भी जो डी लेड होता है बहुत बेस्ट रहता है इसकी वैकेंसी जल्दी आती है इसमें नौकरी लग जाती है फलाना फ़लाना बी एड वाले इंतज़ार करते रहते हैं बी एड ऐसा नहीं होता है आप अपने आप को देखो कि किस में बेस्ट हो आप बेस्ट अगर आपको लगता है कि आप टेंथ क्लास के बच्चों को बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकते हो आपका मन लगता है उन चीज़ों में तो उस लेवल की तैयारी करो और एक बन के आइए एक प्रोफेसर बन के निकलिए है हाँ ना एक लेक्चरर बन करने के लिए आप देखिए कि आप असिस्टेंट टीचर बनना चाहती हैं या आप लेक्चरर बनना चाहती हैं या प्रोफेसर बनना चाहती है चूज वाइजली बुद्धिमानी से चूज करें अपने अकॉर्डिंगली चूज करें है ना कि आप किसके लिए बने हो अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग कौन होता है भाई जिसको युद्ध का बहुत ज्यादा शौक हो वो क्या होता है वैलीग्रेंट मैंने आपको इंडायरेक्टली इंडिकेट किया कि बिल्लियां जो होती है क्या करती है एकदम ऐसे लड़ने को तैयार रहती है मारती भी बड़ी जोर से वो मारती है पंजा मार देती है मुंह पे यानी कि वैलीग्रेंट जो युद्ध में शामिल हो युद्ध रथ कहलाता है पैसिफिक क्या होता है शांत होता है बाकी दो वर्ड के मीनिंग आपको खुद से जानने हैं और अगर जानना चाहते हो और डिटेल में क्लास परचेज कीजिए यानी कि आपको कुछ सारी जानकारी यहाँ नहीं मिलती है बाकी पेड बैच में हम आपको डिटेल में कराते हैं जहाँ से आपकी हंड्रेड परसेंट श्योर हो जाओगे वहां से बाहर कुछ भी नहीं आएगा ठीक है हाँ अ पर्सन हु गोज ऑन हॉर्स बैक ऐसा व्यक्ति जो घोड़े की पीठ पर सवार होकर जाता है उसको हम क्या कहते हैं वैसे जनरली घोड़े की पीठ पर सवार होकर ही जाएंगे <laughs> लेकिन फिर भी उसको हम क्या कहेंगे पूछ पकड़ के तो कोई जाएगा नहीं फिर भी हम क्या कहेंगे है ना आरफा शौगत अपनी आप को पहचानो बच्चे जैसे कई बार मुझे भी कई बार लोगों ने कहा कि आपको बी कर लेना चाहिए लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बी क्योंकि मुझे नहीं शौक़ है बी का भी नहीं है ना ही मुझे किसी ने कहा बी करो बहुत बढ़िया क्योंकि मेरा मन नहीं है मैं जानती हूँ अपने आप को कि मुझे क्या मेरे मन क्या कहता है और मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ कहाँ बेस्ट कर सकती हूँ तो आप जहां बेस्ट कर सकते हो उसको चुने और ये सारे स्टूडेंट से है किसी को कॉपी ना करें अपने आप को पहचानिए वहां मन लगेगा भी आपका और आप उसके लिए जी जान से तैयारी करेंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा उसी क्षेत्र में है हाँ ना पर्सन हु गोज ऑन हॉर्स बैक हाँ देखो इन्होंने आंसर बच्चों ने देखिए कितने शानदार आंसर दिए तो आंसर है, तो देखते हैं इसका आंसर है इक्विज ट्रेन वेरी वेल नाइज को हम क्या बोल देते हैं घुड़सवार है ना कौन होता है ये घुड़सवार होता है जो हमेशा घोड़े की पीठ पे बैठ के जाता है वैसे सभी जाते हैं धूल्हा घोड़े की पीठ पर ही बैठ के जाता है सॉरी घोड़ी की पीठ पर बैठ के जाता है पेडस्ट्रेशन कौन होता है वो पैदल चलता है है ना ये दोनों कौन होते हैं ये वाला बनवर्ड इंपॉर्टेंट है इसको आप नोट डाउन करोगे खुद से लिखोगे कि

आजकल तो प्लेन ग्रेट होते हैं लेकिन पहले ऐसे होते थे वो कौन होता है निपुण होते हैं किसी कार्य में जो निपुण होता है दक्ष होता है स्किलफुल होता है उसको हम करेंसियर बोल देते हैं है ना समझ में आ गया चलो आगे बढ़ते हैं टू स्पीक टू वन इसको हम क्या कहेंगे ओके okay, विकी कह रहा है एक जुलाई को मेरी एंगेजमेंट है ऑल द बेस्ट एंगेज रहने के लिए जिंदगी भर वेरी वेल्डन अमन वेरी वेल्डन रिया सिंह चलो बताओ अर टू स्पीक टू वन सेल्फ इसको हम क्या कहेंगे सोलो लोकेज सोलोलोकेशन एंड कॉलेबोरेशन बताएंगे बताइए क्या बनेगा वेरी वेल डन अच्छा किसी को सपोज डैट ये नहीं पता हो कि टू स्पीक टू वन सेल्फ यानी कि अपनी आप को क्या करना भाषण देना बोलते रहना क्या कहलाता है तो देखो मैंने एक दिन बताया था आपको कि स्पीक के लिए जो टेक्निकली वर्ड होता है वो होता है एलो क्यू क्या होता है एलो क्यू होता है वर्ड एलो क्यू का मतलब क्या होता है एलो क्यू का मतलब होता है टॉक इस टेक्निकल टर्म से मतलब क्या है कि डियर हर एक शब्द जो होता है वो अंग्रेजी भाषा का नहीं होता है कई बार फ्रेंच से लिया गया होता है कई बार ग्रीक भाषा का शब्द होता है कई बार लैटिन भाषा का शब्द होता है फिर वो हम उसको बोलते हैं कि यार ये इसको इंग्लिश में ये कहता है जिस तरीके से मैं कहूँ आपसे कि नेत्र बोला जाता है चक्षु बोला जाता है लेकिन अगर हिंदी में बोलें तो हम उसको क्या कहेंगे आँख बोलते हैं जैसे ग्राम कहा जाता है लेकिन हिंदी में कहें तो क्या बोलेंगे गाँव बोलने लग गए हम है ना तो इस तरीके से कुछ वर्ड क्या होते हैं कुछ वर्ड अदर भाषा के होते हैं उसके बाद उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया जाता है तो एलोक्यू का मतलब क्या होता है टॉक होता है टॉक होता है ठीक है अब एलोक्यू का मतलब क्या होता है टॉक टॉक से रिलेट क्या करेगा कंप्लीटली वर्ड स्पीक करेगा कि नहीं करेगा टॉक यानी कि बातें करने का मतलब दूसरा क्या है बोलना ही होता है तो कहीं भी है कॉर्पोरेशन कोलैबोरेशन सिंपोसिस कहां रहा ये मिल रहा है आपको एलोक्यू

देखेंगे तो क्या हो जाएगा रेटिसेंट हो जाएगा रेटिसेंट मीन क्या होता है रिजर्व व्यक्ति जो कम बोलता हो उसको हम क्या कहते हैं रेटिसेंट कहते हैं समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ तो अब है आपके लिए कुछ और खास यहाँ से आपकी शुरू हो रही है प्रेबजिशन बच्चों ने कहा कि यार प्रेबजिशन मैम कराओ तो मैंने सोचा पहले एग्जांपल करवाते हैं पहले आपको कुछ एम के पैटर्न कराते हैं कर कल इन दोनों पैटर्न पे बेस्ड आपको कराया जाएगा क्या वन वर्ड कराया जाएगा विदाउट ऑप्शन प्रेपजिशन कराएगा विदाउट ऑप्शन यानी कि आपको कल थोड़ी थोड़ी हर एक की थियोरटिकल पार्ट में लेके आऊँगी और वो इंपॉर्टेंट आपको वन वर्ड मिलेंगे वो इंपॉर्टेंट आपको प्रेबजिशन मिलेंगी जो पूछी गई हैं जो पूछी जा सकती हैं ठीक है थीके? तो कल की क्लास को अभी से रिमाइंडर सेट कर लीजिए और आज की क्लास को भी पूरा एंड तक देखिए क्योंकि आपको एंड तक समझ में आए कि यार क्या पैटर्न होता है क्या नहीं होता है स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड साइकिल्स इनटू द कॉलेज बताइए टॉपिक कौन सा है कैसे बना है हाँ 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 सही का अमन बिल्कुल सही कहा आपने सुरवी सिंह वेरी वेल डन बताएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे प्रेबिशन क्या बनेगा चलिए फटाफट से आंसर करें नहीं आया चलो हम बता देते तो देखिए जब भी आपके पास वर्ड क्या हो प्रोहिबिट वर्ड हो देखिए प्रोहिबिट वर्ड का मतलब क्या होता है प्रोहिबिट वर्ड का मतलब होता है रोक लगाना प्रोहिबिट वर्ड का मतलब क्या होता है प्रतिबंध ठीक है प्रोहिबिट वर्ड का मतलब क्या होता है प्रतिबंध होता है क्या होता है प्रतिबंध होता है किस चीज़ पर रोक लगाना और जब भी रोकने की बात होती है प्रपोजिशन क्या यूज़ करेंगे प्रोट के साथ हमेशा फिस्ट प्रपोजिशन क्या यूज़ होती है फ्रॉम होती है इसके अलावा किसके साथ हो सकती है इसके अलावा डीवार डीबार के साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं फ्रॉम डीवार में होता है स्कूल से निकाल देना निष्कासित कर देना या देश से निकाल देने को हम क्या कहते हैं डीबार बोलते हैं ठीक है इसके अलावा हम किसके साथ यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट का मतलब क्या होता है डिफरेंट मतलब डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट के साथ भी हम क्या यूज़ करते

मेन पूछा जा चुका है प्रोहिबिट पूछा जाता है दीवार पूछा जाता है डिफरेंट पूछा जाता है डिफर पूछा जाता है सारे के सारे पूछे जाते हैं ठीक है तो हमेशा ही याद रखेंगे कि इसके साथ प्रीपोजिशन क्या आती है फ्रॉम आती है तो बाकी सब गलत हो गए कौन सा सही बनेगा सी बिलविदा राइट आंसर नेक्स्ट देखते हैं एकेडमिक सिस्टम लेड्स अस टू बिलीव दैट वी कैन लर्न लिसनिंग टू अथॉरिटीज फटाफट से बताएंगे नहीं गलत होंगी अमन नहीं गलत होंगी आप हमारे साथ पढ़िए एक बार पढ़ के तो देखो यार तुम लोग बैच परचेज करो पढ़ो आपसे कभी गलत नहीं होंगी बिलीव मी बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ाती हूँ आपको बेसिक हो गया उसके बाद मॉडरेट लेवल देन एडवांस लेवल तो ये सारा लेवल रहता है तो हम उस तरीके से पढ़ते हैं ठीक है और बात अभी भी अगर अभी तो आपका एग्ज़ाम है तो इस एग्ज़ाम की वजह से मैं कल आपके लिए प्रेपटिशन की क्लास लेके आने वाली हूँ बट आपको एम भी कराएंगे वो थोड़े रहेंगे रेदर देन इसके लिए ज़्यादा रहेगी हमारी थोड़ा सा थ्योरिटिकल पार्ट में कल करवाने वाली हूँ तो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें ठीक है चलो सो लर्न लर्न के बाद क्या आता है लर्न आउट फ्रॉम फ्रॉम आउट विद इन क्या होना चाहिए चलिए देखते हैं तो क्या होना चाहिए और एक बात और ये सारा का सारा पुराना है सारा का सारा डेटा पुराना है लर्न फ्रॉम लिसनिंग लर्न फ्रोम क्या होगा लिसनिंग कौन सा बैच परचेज करें बैच हमारा जो आ रहा है वो झारखंड एस एस सी आ रहा है जिसका नेम है विरसा मुंडा बैच विरसा मुंडा बैच में मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी और मैम पढ़ाएंगी हिंदी यानी कि पेपर वन के लिए हिंदी और इंग्लिश के लिए एक बैच है जिसका नेम क्या है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के लिए एक बैच है जिसका नेम क्या है विरसा मुंडा बैच जो इसी सात तारीख से शुरू होने जा रहा है फटाफट से एनरोल करें उसको ज्वाइन करें वो मात्र सिक्स एट का पड़ेगा अगर आप कोड यूज़ करते हैं वाइस फाइबर फाइव तो इसको परचेज कर लीजिए आपको मिल जाएगा या आप झारखंड का महापैक ले लेंगे तब भी वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा या बिहार का महापैक खरीदते हैं तब भी वो आपको मिल जाएगा ठीक है ठीक <laughs> है तो अब बात करेंगे एकेडमिक सिस्टम लेट्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम लिसनिंग हमें किससे सीखना चाहिए फ्रॉम अच्छा ये क्यों फ्रॉम आया बता देते हैं क्या यहाँ है पे लर्न की वजह से फिक्स था ना फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन होता है बच्चा फ्रॉम और टू का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है फ्रॉम और टू का ना तो लर्न फ्रॉम लिसनिंग टू ऑथॉरिटीज और फिक्स प्रपोजिशन किसके साथ होती है लिसन लिसन के साथ हमेशा प्रपोजिशन क्या आती है टू आती है ऑलवेज ये फिक्स्ड है लिसन के साथ आता है टू आता है जैसे टॉक के साथ क्या आता है टू आता है वैसे ही फ्रॉम लर्न फ्रॉम लिसनिंग टू ऑथोरिटीज ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं हेलो जी जया uh, मैम आते ही आपके ऑफिस में अपनी वाइफ को लेके आशीर्वाद ले वेलकम डियर वेलकम uh, बहुत बहुत स्वागत है आपका आइए जरूर आइए <laughs> बोलनी नहीं आती यार बोलने के लिए तो आपका स्पोकन बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं है। मैम का स्पोकन बैच है निधि मैम का उसको ज्वाइन कर लीजिए ठीक है थी? वो भी सिक्स एटी नाइन रुपीज़ का है ट्वेंटी वन डेज़ में आप स्पोकन सीख जाएंगे और अच्छा पढ़ा दिए मैम भी हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली आप फ्लुएंटली इंग्लिश सभी बोल सकते हैं जब आपका इन्वामेंट ऐसा हो आपके माहौल ऐसा हो आपको किसी से आपका एक कोई दोस्त होना चाहिए जिससे आप बोल पा रहे हैं इंग्लिश अगर आपने इस्पोक सीख लिया और कोई दोस्त नहीं है तो फिर दिक्कत होगा फिर कहाँ से पूछ पाओ फिर कैसे बोल पाओगे ना अकेले के लिए भी नहीं हो पाता है तो ऐसा इन्वायरमेंट भी थोड़ा होना चाहिए और और वो हॉलीवुड मूवीज देखिए सॉन्ग सुनिए तो वहाँ से भी अच्छा आता है लेकिन बोलना ज़्यादा मैटर करता है जितनी ज़्यादा होगी बोलने की उतना ज्यादा फ्लुएंटली आप बोल पाएंगे सो द गवर्नमेंट हैज द एयर पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड पावर स्टेशन इज रिड्यूसिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द कंट्री एंड एवरेज ऑफ सिक्स मंथ्स बताइए गुड मॉर्निंग अर्चना सिंह द गवर्नमेंट हैज वॉन्ट द एयर पोल्यूशन गवर्नमेंट ने क्या किया uh, चे चेतावनी दी थी कि इसके लिए एयर पोल्यूशन के लिए फ्रॉम व्हीकल्स एंड पावर स्टेशन जो व्हीकल है पावर स्टेशन है उनके लिए इज रिड्यूसिंग लाइफ एक्सपेंडेसी क्या हो रही है भाई इस लाइफ की जो दर है वो क्या हो रही है कम होती जा रही है इन द कंट्री देश में है ना देश मेंज ऑफ सिक्स मंथ यारेज होता है पूरा का पूरा ऑन एंड एवरेज on an average क्या होता है पूरा का पूरा फ्रेज होता है on an average कहते हैं ना on an average है कैसी है ये बाइक on an average है ठीक है काम चला हुआ है on an average है ना तो लगभग जो होता है on an average क्या होता है फ्रेज होता है ना आपको देखते ही समझ में आना चाहिए on an average तो सही प्रतिशन इसके लिए क्या बनेगा on बनेगा कई बार फ्रेज भी होता है पूरा का पूरा और हाँ सोचना भी होता है इंग्लिश में बट ये पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता अमन क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है हम शुरू से बाई बर्थ हम हिंदी भाषा के क्षेत्र में पले बड़े होते हैं तो इसलिए सोच नहीं पाते हैं लेकिन अगर इनको स्पोकन करना है तो उसका इन्वायरमेंट दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे जहाँ भी हो लिखने की कोशिश किया करो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश और बोलने की कोशिश किया करो बताइए मैनी पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स आर नॉट एप्लीकेबल स्लम ड्वेलर्स इन मेट्रो सिटीज एज दे आर एज दे आर एव द पॉवर्टी लाइन बताइए क्या बनेगा आंसर वेरी गुड कांति कुमारी चलो भाई सबका आंसर आ गया वेरी वेल डन देखते हैं क्या आंसर है ऐसा नहीं इसका टू क्या है एप्लीकेबल टू देखिए हमेशा ध्यान देंगे एप्लीकेबल के साथ वैसे भी टू आता है यार अप्लाई टू होता है एप्लीकेबल टू होता है और जिनको लगता है कि नहीं हमारी प्रेपजिशन सही नहीं हो रही है तो मैंने पहले भी बताया था शुरू में कि बिहार अड्डा पे प्रेपजिशन की सात से ज़्यादा क्लास पड़ी हुई है मैंने सात क्लास कराई थी अब नहीं मिल पा रहा टाइम इट्स ओके लेकिन कल की क्लास मिस मत करना क्यों क्योंकि कल मैं आपको ये प्रेपजिशन करवाऊँगी जो इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट है वो सारी प्रेपजिशन और जो आपका क्या नाम है वन वर्ड है वो सारे के सारे वन वर्ड एंड इम्पोर्टेंट प्रशन एक ही जगह पर ठीक है चलो देखेंगे कि मैनी पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम यानी कि बहुत सारी ऐसी गरीबी रेखा को, कम करने वाली जो जो झुग्गीवासी होते हैं जो गंदगी में रहने वाले लोग होते हैं झुग्गीवासी झुग्गीवासी झुग्गी कहाँ होते हैं यार झुग्गीवासियों का घर कहाँ होता है कहीं ना कहीं रोड के किनारे होता है स्लम मीनस क्या होता है गंदा तो रोड के किनारे नाले के किनारे जो घर बने होते हैं ना झुग्गीवासी जो होते हैं वहां तक सारी जो गरीबी रेखा को खत्म करने वाली स्कीम होती है वो नहीं पहुंच पाती है इन मेट्रो सिटीज मेट्रो सिटीज में से क्या होते हैं है. क्या होते हैं ऊपर होते हैं है. विलो की कैटेगरी में नहीं आते इसीलिए वो योजनाएं वहां तक पहुंच भी नहीं पाती हैं गाँव में इसीलिए पहुंच जाती कि कई <coughs> बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं तो एप्लीकेबल के, के साथ हमें क्या आता है टू आता है ठीक है दिस मैगजीन डील्स द बर्निंग प्रॉब्लम इन अर कंट्री फेसिंग एट प्रेजेंट देखिए ये जो है इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी इस वाले एग्जांपल को क्योंकि इस टाइप से पब्जिशन पूछी जाती है एप्लीकेबल टू रट लिया करो एप्लीकेबल टू एप्लीकेबल टू थिंग एप्लीकेबल टू थिंग इस तरीके से हमने भी रटी थी मैंने कैसे रटी डिफरेंट फ्रॉम डिवार फ्रॉम डिफर फ्रॉम एब्सटेंट फ्रॉम इस तरीके से प्रोहिबिट फ्रॉम ये हमने एक साथ रट लिया इनको ऐसी एप्लीकेबल टू रिप्लाई टू टॉक टू है ना तो टू वाली एक साथ याद कर डालो थैंक यू कांति चलो देखेंगे कौन आंसर करेगा चलिए देखते हैं तो आंसर आ, आ गया है बच्चों का सही लग रहा है इस बार तो मुझे आपका आंसर बिल्कुल सही है देखिए जब भी डील विद होता है है ना डील विद दिस मैगजीन डील विद द बर्निंग प्रॉब्लम्स आर कंट्री फेसिंग फेसिंग एट प्रेजेंट जो अभी प्रेजेंट समय में फेस कर रही है वो क्या कर रही है प्रॉब्लम को फेस कर रही है, है ना वीडियो पिन कर दो अच्छा पिन ओके वो मैं अभी कह के करा दूँगी डियर वो मैं कह के करवा सकती हूँ है ना वरना आपको बिहार अड्डा पे मिल जाएगा बट कोई बात नहीं मैं कल एक क्लास करा दूंगी आपकी डोंट वरी अबाउट इट है ना दिस मैगजीन डील्स विद तो डील के साथ हमेशा क्या आता है डील के साथ विद आता है जब हम किसी प्रॉब्लम से परेशानी से निपट रहे हो है ना तब किसका यूज़ करेंगे डील विद ठीक है चलो आई प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून ऑन एवरी संडे एट एवरी संडे फॉर एवरी संडे और एवरी संडे अच्छा है बहुत शानदार है फटाफट से बताएं फटाफट से बताएंगे क्विकली ऐसे करेंगे और आज ही रिमाइंडर सेट कर लेंगे क्योंकि टाइम कम है आपके पास कल पक्का आपके पास वो सारे वन वर्ड सामने होंगे जिनके आने के चांसेस हैं वो वन वर्ड वो प्रेपजिशन वो सारी चीज़ें मैं कल कराने वाली हूँ जो आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं ठीक है थीके? तो कल अपने दोस्तों में जो बी कर रहे हैं उनको भी शेयर कर दीजिए यार ठीक है चलो देखते हैं कौन सही आंसर करता है तनु ठाकुर जया अब्रॉय अच्छा तुम में से आज नए बच्चे कितने हैं फटाफट से बताएं नए बच्चे कितने हैं वैसे तो मुझे पिजान में आ जाते हैं लेकिन फिर भी सारे बच्चे कमेंट नहीं करते हैं तो बताना कितने बच्चे आज फर्स्ट ए किन किन का है लक्ष्मी कुमारी सुबोध सोनू कुमार चौधरी वीना कुमारी हाठोपुर क्या लिखाई है पी एन बी सी एस पी हैं एवरी संडे फाइन चलो देखते हैं ऐसा देखते हैं तब तक तुम लोग कमेंट करके बताओ कितने बच्चे न्यू हैं तो ऑन एवरी संडे देखो ये जो था ना ये बहुत important था पता है क्यों ये मैंने कई बार देखा और ये अभी कुछ पहले किस पूछा गया था? ये CHSL में पूछा गया था ये वाला जो आ, आ, है ये आ, अगर मैं बात करूँ सात आठ महीने पहले तो ये पूछा गया था जब एयरफोर्स नहीं सॉरी उसका क्या कहेंगे हम? और एनडीए का हुआ था वहाँ भी पूछा गया अब बात क्या थी बात ये थी कि जितने भी दिनों के नाम होते हैं जो भी दिन होता है उसके साथ हम यूज क्या करते हैं प्रेपजिशन यूज करते हैं ऑन ऑन संडे, ऑन मंडे ऑन सैटरडे ये सभी जानते हैं कन्फ्यूजन तुम्हें कैसे क्रिएट किया एबरी लगा के कन्फ्यूज़न कैसे क्रिएट किया एवरी लगा के ठीक है तो डियर ऑन संडे फ्रेज जितने भी दिनों के नाम होते हैं उन सबके साथ हम ऑन का प्रयोग करते इस बात को रट लो है ना तो ऑन आएगा ऑन एवरी संडे आई प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून तो टाइम के साथ है ना प्लेस के साथ डे के साथ और ईयर के साथ मंथ के साथ कौन कौन सी प्रपजिशन कब कब प्रयोग होती है ये कल हम डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं या हम बात कहें डिस्टेंस के साथ या एक बेस बेसिक प्रपजिशन होती हैं वो हम मैं आपको कल ज़रूर कवर कराऊंगी ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे तनुज ठाकुर वेरी वेलकम डियर वेलकम ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बिहार अड्डा आप न्यूज स्टूडेंट हैं यहाँ सब न्यू है अच्छा गेलवे बिग अवार्ड वेरी वेलकम डियर जितने भी नए स्टूडेंट यार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आई होप यू एन्जॉय दिस सेशन क्लास में मजा आ रहा होगा अच्छा कैसी लग रही है क्लास ये तो बताई दो शी हैज एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स आई वोंट अलाउ हर बिकॉज आई नो द लेबर इन्वॉल्व विल टैल अपॉन हर हेल्थ बताइए क्या आंसर बनेगा सोनू कुमार आई एम न्यू स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इसमें ए मिसिंग हो गया आई एम अ न्यू स्टूडेंट ऑफ योर क्लास वेरी वेलकम डियर बहुत बहुत स्वागत है आपका सोनू कुमार जी आई होप सा में मज़ा आ रहा होगा आपको क्लास लेने में पवन भी कह रहे हैं नए हैं सभी के लिए बहुत बहुत स्वागत है पढ़े अच्छे से और एक टीचर जो भी बनना चाहते हैं बन के निकलिए ठीक <laughs> है बहुत मज़ेदार है selam ओ oh, शिट <laughs> मैंने आपका आंसर नहीं बताया <laughs> चलो कोई सॉरी <sorry>, सॉरी भाई <laughs> चलो बताती हूँ <laughs> क्या था मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था है ना सॉरी दोषी एप्टीट्यूड तो आंसर क्या है एप्टीट्यूड फॉर एप्टीट्यूड के साथ अच्छा तुम लोगों ने सभी ने सही आंसर किया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है फॉर आएगा एप्टीट्यूड के साथ क्या यूज करते हैं फॉर ऑन टू नहीं होता सुरबी सिंह ऑन टू जो होता है वो मूवमेंट में यूज किया जाता है जब वर्ग ऑफ मूवमेंट होती है तब हम ऑन टू का यूज़ करते हैं ना डायरेक्टली नहीं करते लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग जरूर याद रखें है ना लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग जरूर याद रखें कई बार स्पेलिंग एरर में आ जाता है लेफ्टिनेंट कैसे याद करोगे एल आई ई लाई यू टेन आंट दस सीटियों ने मिलकर क्या बोला तुमसे झूठ बोल दिया लाई यू टैन आंट तुमको शर्म नहीं आई लाई यू टैन आंट यानी कि लेफ्टिनेंट जो होता है वो क्या हो? इसकी स्पेलिंग इंपोर्टेंट है चलो लेफ्टिनेंट आनंद वॉर शॉर्ट एंड मस्क्यूलर विद सोल्जर्स दैट बर्ग्ड इंप्रेसिवली हिज स्मार्ट यूनिफॉर्म बताओ क्या एरर है यार नहीं सॉरी के साथ हम क्या यूज करेंगे हम मैं एक वीक से पढ़ रही हूं ज्यादा पुरानी नहीं हूं ओके तो ज्यादा पुरानी नहीं है आपका भी स्वागत है चलो बताओ फटाफट से तो देखेंगे इसका आंसर क्या है इसका आंसर है बी यानी कि इंप्रेसिवली के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम विद का वर्ल्ड विद इंप्रेसिवली तो इंप्रेसिवली के साथ नहीं आया ये इसके साथ आया इसकी वजह से वर्ल्ड विद ठीक है चलो वेरी वेल डन ये भी सभी का सही था बहुत बढ़िया यार तुम लोग बड़े होशियार हो रखे हो हैं सुरबीत सिंह आप भी न्यू हैं वेलकम आपको भी पहचान लिया आप भी वन वीक पुरानी ही है बस नहीं है आई I मीन mean, पुरानी क्यों नहीं है इफ़ यू रिपीट दिस मिस्टेक आई विल योर फादर एंड डू नॉट ब्लेम एंड दैम बताओ ये तो आसान है यार, तो ये काम तो तुम लोगों ने बहुत लोगों ने किया होगा बताओ क्या कहते बताओ क्या कहते हैं बताओ आसान है ना सबसे ज़्यादा आसान तो यही है चलो देखते हैं तो इसका आंसर क्या है बहुत तुम लोगों ने तमाम पता नहीं चाहे कितनों की डांट पिड़ होगी इसी बात के चक्कर में इफॉम इफ़ यू रिपीट दिस मिस्टेक यदि तुम इस मिस्टेक को दोहराते हो आई विल इन्फॉर्म यदि थोड़ा बीच में वो रह गया स्पेस इंफॉर्म योर फादर एंड डू नॉट ब्लेम मी देम और फिर मुझे बाद में ब्लेम मत करना मतलब ऐसे बच्चे करते हैं अगर तुमने ये दोबारा से किया बच्चे नहीं बच्चों के माँ बाप करते हैं <laughs> बच्चों के माँ बाप करते हैं कैसे करते हैं आ, इन्फॉर्मिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो इन्फॉर्मिंग इसलिए नहीं होगा जो बच्चे बी देख रहे हैं बिल के बाद यार कैसे इन्फॉर्मिंग आ सकता है बिल के बाद तो बी वम फॉर्म आएगी ना बिल के बाद फॉर्म कैसी आएगी बी वन तो इन भी नहीं आएगा टू भी नहीं आएगा है ना ऐसा कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि यहां पे बिल दिया है बिल के बाद कैसा फॉर्म आएगा बी वन तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो लेकिन इतना किसी ने सोचा नहीं होगा कि टू इन फॉर्मिंग ये सब पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो मन में <laughs> तो कई बार ऑप्शन पर भी ध्यान दे दिया करो तो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो एलिमिनेट हो जाते हैं है ना तो इफ़ यू रिपीट दिस मिस्टेक आई विल इन्फॉर्म योर फादर एंड डू नॉट ब्लेम मी देन और मैं तुम्हारे पिताजी को इन्फॉर्म कर दूंगा फिर मत कहना कि तुमने ऐसे क्यों कहा ना? ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो दूसरे के बच्चों को डांट फटकार के भगा देते हैं ना? <laughs> चलो द नंबर ऑफ फॉरिन वर्कर्स आर अलाउड टू हैज इंक्रीजेस बताइए मॉडल्स टेक द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेरी डन यस जितनी भी मॉडल वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं है ना दिव्या दीक्षा का सही था प्रियंका का सही था प्रियांशु राज का भी सही था लक्ष्मी कुमारी आ, ओके वेरी गुड कोशिश की आ, तनु ठाकुर वेरी डन आपने भी बहुत अच्छा दिया है सोनू कुमार चौधरी पूजा कुमारी वेरी वेल डन स्नेहान ने तो सिर्फ हंस के बता दिया कि बत्तीसी चलो देखते हैं द नंबर ऑफ फॉरिन वर्कर्स दैट आर अलाउड टू तो इसका आंसर क्या है जी इसका आंसर है एंटर मरेशियर हैज़ इंक्रीज अलाउड टू एंटर टू के बाद वी वन फॉर्म आएगी एंटर के साथ इन टू नहीं आता ये भी नहीं आता और टू के बाद डायरेक्टली इंटू वैसे ही नहीं आएगा तो एलिमिनेटिंग मैथड इज़ अ बेस्ट मैथड तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी बन जाएगा तो भाई कल के लिए तैयार हो जाओ है ना और कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएं अगेन अगर आप लोगों ने अब तक महापैक को परचेज नहीं किया है तो महापैक परचेज कर लीजिए क्योंकि अगले डेढ़ से दो साल में वैकेंसी की भरमार होने वाली है और इन्हीं दो साल में सिलेक्शन ले लेना फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है नए रूल्स आते हैं फिर पता नहीं क्या दो साल से फिर कोई इंतज़ार कर रहा होता है तो पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखो ये नहीं कि बिल्कुल मुनाक पर दिया ले चलना है तुमने कि जब फॉर्म आएगा हम तो तभी करेंगे जब फॉर्म आएगा हम तभी प्रिपरेशन करेंगे तो जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो पहले से तैयार होते हैं पिछले हमने भी तो प्रिपरेशन की कैसे की पहले से तैयार की एक साल पहले से प्रिपेयर करना शुरू किया तो आप भी अपने आप को पहले से प्रिपेयर करो ताकि एग्जाम आए तब तक सिर्फ आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़े सिर्फ रिवाइज और प्रैक्टिस रिवाइज प्रैक्टिस बस यही करना पड़े पढ़ना ना पड़े पढ़ के आप बिल्कुल फ्री हो जाइए और फिर उस टाइम लास्ट टाइम पर क्या होता है मॉक टेस्ट लगाओ डाउट्स क्लियर करो मॉक टेस्ट लगाओ डाउट क्योंकि इसमें भी काफी समय जाता है मैं सही बताऊं टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हमें महीने तो पढ़ने में ही लग जाता है समझने में लग जाता है जब कोई फ्रेशर बच्चा होता है तो छह महीने पढ़ने में समझने में लग जाता है उसके बाद अगले छह महीने प्रैक्टिस मॉक टेस्ट डाउट इन्हीं में निकल जाता है तो तब जाके एक अच्छा स्टूडेंट का जो माइंड डेवलप हो पाता है और अच्छे से लेवल की क्या हो जाती है प्रिपरेशन ये मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रही हूं इंटेलिजेंट के लिए नहीं है एवरेज स्टूडेंट के लिए उस बच्चे को मेहनत करना पड़ता है तो मेहनत कीजिए महापैक को परचेज कर लीजिए डबल वैलिडिटी ऑफर है दो साल के लिए वैलिड है तो इसको परचेज करें कैसे परचेज करना है वो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ जाना है अटर ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम पर जाएंगे वहां से बेहतर पे क्लिक करेंगे बिहार में जाके आपको वहां पैक मिल जाएगा वहां से आप परचेज कर लें क्या क्या फायदा है सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं वीडियो भी अवेलेबल होती हैं बुक्स भी अवेलेबल होती है डाउट क्लियरेंस होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है स्पोकन क्लास आपको मिल रही है सब कुछ एक जगह मिल जाता है लाइक शेयर कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे सब्सक्राइब करना जरूरी है जरूर करें ठीक है मैम पेड बैच पढ़ाते हैं तो यूट्यूब फ्री क्यों पे फ्री क्यों अलग क्या है अच्छा पेड वैच और हाँ पेड वैच और यूट्यूब के फ्री वैच में डिफरेंस ये है कि जो हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो हम सिर्फ मिसलेनियस कराते हैं हम कभी टॉपिक वाइज नहीं आपने देखा होगा हमने कभी टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाया है और जो हमें एक पैटर्न कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम यूट्यूब पर नहीं पढ़ाते हैं यूट्यूब पर सिर्फ हम एक जो कॉमन चीज़ें होती हैं वहीं पढ़ाई जाती है जो एक बेसिक से लेके एक लेवल जो होना चाहिए बेसिक एडवांस कि लाइक आपको लग रहा है ये कैसे होगा ये तो हमने पढ़ा ही था तो वो सारा लेवल ए टू जेड सारी चीजें क्लियर की जाती है वो होता है पेड बैच में पेड बैच में डिफरेंस होता है टू दिस बहुत डिफरेंस होता है आप देखेंगे वहां बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाता है यहां कुछ नहीं होता यहां सिर्फ आ, सिर्फ आपको ठीक है जिनको आता है तो वेलन को जिनको नहीं आता तो एक बार में आप क्या ही सीखोगे तो उन सभी बच्चों के लिए पेड बैच लेना चाहिए मेरे हिसाब से ठीक है और बिहार दरोगा क्लास कब से होगा बता देंगे अभी आपको दरोगा का क्लास मिल जाएगा बिहार महापैक में पड़ा हुआ है मिल जाएगा ठीक है टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं डाउट क्लियरेंस होता है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास होती है सीरीज होती हैं मॉक टेस्ट होता है रिविजन होता है वो सारा कुछ आपका पेड बैच में होता है ना ठीक है समझ में आ गया होगा डिफरेंस तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी नाउ डू वॉट एवर यू वांट टू डू बट डोंट फॉरगेट योर गोल टेक केयर यूर सेल्फ अब मिलते हैं चार बजे वाली क्लास में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर योर सेल्फ